मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो महंगाई को रोक सकता है, क्योंकि महंगाई समय के साथ बढ़ती है, समय बदलता है तो महंगाई तो होनी होनी है। बात है, दिक्कत तो होती ही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, आपकी सैलरी जैसे आज 5 साल पहले। इलेक्शन के बाद होना इज सरप्राइजिंग, सो डेफिनेटली इट्स अ मोमेंट के लिए तो पैसे शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए चले जाएंगे। शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए नहीं निकाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास शो बोल पब्लिक ब्लॉग में, जहां पर सीधा हम जनता के मुद्दे जनता से पूछते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। मेरा नाम आयुषी श्रीवास्तव है। हम तमाम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे जिसका जनता से सरोकार होता है, और ऐसा ही एक मुद्दा आज लेकर हम हाजिर हुए हैं जनता के बीच। जी हाँ, ये ऐसा मुद्दा है जो आज से नहीं सालों से चला आ रहा है। मतलब वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि महंगाई डायन खाए जाते हैं, और वही जो है मुद्दा लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। इस वक्त हम यूपी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल भरवाने के लिए कतार में लगी हुई है, क्योंकि मुद्दा ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे, इजाफा हुआ है। और इसके साथ ही जो है आपको बता दें कि जो घरेलू गैस है, आपके घर खाना तो बनता ही होगा, तो जिस पर खाना बनता है वो गैस में भी इजाफा हुआ है, गैस के दामों में भी इजाफा हुआ है। इसी को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे हैं, जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव तक ही सीमित था ये महंगाई पर रोक, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में सीधा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद सरकार का महंगाई रिटर्न गिफ्ट है जनता को। सीधे चलिए जनता से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं, जो लोग कतार में खड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवाने आए हैं ना कि डीजल, पेट्रोल के दाम में इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? मतलब महंगाई आसमान छू रही है। मैम, महंगाई बहुत ज़्यादा आसमान छू रही है। बंदे का एक जो सैलरी पैकेज होता है वो तो इतना नहीं है, बस महंगाई बढ़ रही है, सैलरी तो कहीं बढ़ ही नहीं रही है मैम। चुनाव के वक्त महंगाई रुकी हुई थी, तो क्या लगता है रिटर्न गिफ्ट है क्या महंगाई सरकार की तरफ? हो सकता है मैम, पब्लिक का भी यही रिप्लाई है। हाँ जी मैम, क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है? पेट्रोल भरवाने आए, बोलने से बच रहे हैं आप। बोलिए तो, महंगाई क्या आपको सही लग रहा है? महंगाई हो रही है, बढ़ रही है महंगाई, जो गैस है उसमें। यूपी का नहीं हूँ मैं, मैं यूपी का ही नहीं हूँ। यूपी का नहीं, पेट्रोल भरवाने तो आए हैं ना? पेट्रोल तो भरवाने आए हैं। चलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैमरा धर, क्या नाम है सर? मेरा नाम नरदेव सिंह है। यूपी के रहने वाले हैं। हाँ जी, यूपी में चुनाव तक तो महंगाई सीमित थी, चुनाव तक तो महंगाई रुकी हुई थी, लेकिन अब महंगाई में इजाफा हो रहा है, घरेलू गैस बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे? जी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जो महंगाई को रोक सकता है, क्योंकि महंगाई समय के साथ बढ़ती है, समय बदल रहा है तो महंगाई तो होनी होनी है। महंगाई को कोई भी सरकार आए, सरकार का कोई दोष नहीं, महंगाई समय के साथ बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, प्रोडक्ट पर काम पैसा बढ़ता है, किसानों के जहाँ से ये चीज़ें नेचुरल चीज़ों पर पैसा बढ़ता है, किसान का पैसा बढ़ेगा, किसान पैदा करेगा, आगे मार्केट से आते आते वो काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको सही लग रहा है कि ये महंगाई? सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से सब चीज़ें बढ़ती हैं। और कई लोग जो परेशान है, आम जो पब्लिक है, सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास को दिक्कत होती है। जब से ये संसार बना है इसमें सब परेशान है, दुखिया सब संसार है, कोई आदमी सुखी नहीं है। यदि सुखी है तो कोई नहीं है, कोई कहे मैं सुखी हूँ तो वो वैसे उससे पूछ के देखो अंदर की दिल से भावना से कि तू वाकई में सुखी है। कभी नहीं कहेगा वो मैं सुखी हूँ। कोई बच्चों से दुखी है, कोई बच्चों से सुखी है, ठीक है जी। आपसे एक सवाल लेते हैं कि चुनाव तक सीमित था, चुनाव 137 दिन तक महंगाई पर रोक थी, अब अचानक से महंगाई बढ़ गई, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महंगाई पर? ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई का कोई चक्कर नहीं है, इस चुनाव का कोई चक्कर नहीं है। जो सरकार आएगी वो हिसाब से, एक साइड आप फ्री बांटे हो तो वो कहाँ से निकलेगा? राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव, राहुल गांधी को कहने दो, राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, कुछ भी संसार चलाना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, किसी के बस की बात नहीं, वो ताकत चला रही है संसार को, बाकी महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? ऋषिका। यूपी के रहने वाले? हाँ जी। गैस के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, आप ऑफिस भी जाती होंगी पेट्रोल भरवा रही, क्या कहेंगी? परेशानी हो रही है आम पब्लिक को? ऑब्वियसली हो रही है, बिकॉज ट्रैवल इज अ बेसिक नीड। या ऑब्वियसली होगी, बिकॉज बजट मैनेजमेंट सारी चीज़ें एक चीज़ होती है, आप मंथली अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अपनी सैलरी वगैरह से निकालते हो, सो डेफिनेटली वो थोड़ी प्रॉब्लम। कहा जा रहा है इलेक्शन तक ये महंगाई नहीं थी, अब एग्जैक्टली इलेक्शन के बाद होना इज सरप्राइजिंग, so definitely it's a
मोड ऑफ एजेंडा। आपको लगता है सरकार को कम करना चाहिए इतनी महंगाई? डेफिनेटली, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि एवरीवन हैज देयर ओन बजट फॉर ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। ऑब्वियसली अगर पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हमारे बहुत चीज़ों के दाम, ऊबर कैब्स वगैरह के भी बढ़ेंगे। सो जैसे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जिनके पास नहीं होते हैं कि पर्सनल व्हीकल्स वगैरह। सो डेफिनेटली फॉर दैट। मैम, कहा जा रहा है कि जो घरेलू गैस में उसमें भी दाम बढ़े हुए हैं, अब अनाज के दाम भी बढ़ेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? जो जो क्योंकि आप लड़की भी हैं। सो डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ लाइक, बहुत मैटर इसलिए करेगा बिकॉज अभी सब ने सब ओवर कोविड को ओवरकम कर रहे हैं। अभी कोई कोविड को ओवरकम किया नहीं है, जितने में फोर्थ वेव का आया है और उसके बीच में आप ये करोगे तो इट्स नॉट गुड फॉर द एंटायर। मतलब कहीं ना कहीं महंगाई कम करनी चाहिए। आइए हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? पूजा। आप जॉब करती हैं? जी नहीं, पीस वर्किंग का काम है। पीस वर्किंग का काम है। पेट्रोल भरवाने आई है, पेट्रोल में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे लेकर? आम पब्लिक कितना परेशान है। परेशान क्या, देश में कुछ सुधार आएगा परेशानी तो बढ़ेगी, वैसे खास परेशानी नहीं है। शराब के लिए 200 रुपए निकलते, 10 रुपए पेट्रोल दे देंगे क्या हो जाएगा? उठाए शराब के लिए तो पैसे क्या बोल रही हैं? शराब ही शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए चले जाएंगे क्या? शराब के लिए पैसे निकाल सकता है, पेट्रोल के लिए नहीं निकाल सकता है? हाँ, कोई महंगाई नहीं है, सही है, सब सही बढ़िया, महंगाई बिल्कुल भी नहीं, सब गैस के दाम बढ़े, गैस के दाम बिल्कुल भी नहीं, सब सही चल रहा है, एकदम बढ़िया बिल्कुल। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कुछ। सर आप स्माइल, सर आप मुझे देखकर स्माइल कर रहे थे। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पेट्रोल भरवाने आए हैं, कितना लग रहा है कि परेशानी हो रही है आम जनता को? बिल्कुल नहीं हो रही। महंगाई है? नहीं नहीं है, नहीं 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 है महंगाई। ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है सदन के बाहर की महंगाई हो रही है, महंगाई हो रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम है करना, ऐसा विपक्ष का काम है कि दूसरी पार्टी को गिराना। महंगाई नहीं है, नहीं है महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं साहब, सब बढ़िया है, घरेलू गैस के भी दाम बढ़ गए। यस, बता मुझे, चुनाव तक ही था महंगाई पर रोक, अब नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं सब ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर क्या नाम है आपका? आसिन निषाद। जॉब करते हैं आप? जी। इजाफा हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम में, क्या कहेंगे? पेट्रोल भरवाने आया? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, परेशान नहीं हो रही? कोई परेशानी नहीं है, ठीक कमा रहे हैं, अच्छा चल रहा है। अच्छा, एक मैडम ने सवाल खड़ा किया कि शराब पीने के लिए पैसे मिल जाते हैं, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, तो आपको लगता है कि मतलब महंगाई है नहीं इस देश? महंगाई तो नहीं है कोई, सब ठीक है, सेम है, कोई महंगाई नहीं। आज चुनाव के बाद ही ये होना था, चुनाव के बाद महंगाई बढ़नी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब महंगाई नहीं है, महंगाई ना है एकदम, कोई महंगाई नहीं। चलिए ठीक है, हम और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक साहब मेरे साथ है जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, पेट्रोल भरवाने आए थे डीजल? पेट्रोल भी भरवाना आया जी, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा, कौन सा भरवाओ, पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, काम धंधे है नहीं, भुखमरी फैल रही है, अब चोरी करनी पड़ेगी, डकैत करनी पड़ेगी, और चोरी डकैत करनी पड़ेगी, क्या बात कर रहे हैं? भर रहा हूँ मेहनत करने से, कहा कर रहा था पैसा ही ना मिलते, इतनी महंगाई बढ़ गई है। और जी, 5 महीने हो काम करते, 1 रुपया ना दिया कंपनी ने। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, जो खड़े हाँ जी, बीजेपी वोट दे रहे हैं, योगी सरकार भी आ गई, योगी कुछ करता रहे ना, सरकार कहा करेगी, भुखमरी इतनी फैली हो रही, बेरोजगारी हो रही बहुत ज्यादा। वोट तो आप ही लोग ने दिया था उनको, वोट तो आप ही लोग ने दिया, क्या पता ऐसा करे कि वोट तो भलाई को दिया, जब भलाई ना हो रही तो क्या करे? अरे साहब, हम पूछ रहे हैं, वोट तो आप ही ने दिया था, वोट तो दियो हमने, नहीं तो दियो, अच्छे काम करेगी सरकार, अच्छा काम नहीं कर रही, फायदा ही ना हो रहा कुछ, अच्छा काम करी तभी तो वोट दिया था आपने, पहले क्यों अब तो ना कर रही, अब नहीं कर रही, अब लेट हो रहे जी, आपके बाद तुरंत महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, सीएनजी सस्ता करवा, पेट्रोल करवा, डीजल करवा, गैस करवाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जनता में एक कहते हैं ना घुला मिला सा जो है जवाब निकल कर सामने आ रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि महंगाई है, तमाम लोग भी यहाँ पेट्रोल भरवाने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सर क्या नाम है? हंत प्रकाश। हंत प्रकाश, यूपी के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है? हो जाएगा, सरकार तो करेगी, सर वो करेगी, अब जनता की भलाई के लिए सोच रही है सरकार, भी अच्छी आई है, सरकार अच्छी आई है जी। अच्छा, सवाल उठ रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी, सवाल उठ रहे हैं कि महंगा चुनाव के बाद ही ये होना था महंगाई बढ़ने की? मेरे हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है। आपके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है? और ये जो घरेलू गैस पे भी इजाफा कर दिया गया है, दाम भी बढ़ा दिए गए हैं? देखिए, जो बढ़ा दिए गए हैं उसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा, तो अभी तो फिलहाल जो कर रही है सरकार ठीक ही कर रही है, जनता की भलाई के लिए कर रही है, जैसे घर में जरूरत होती है पैसे के लिए, वैसे
सरकार को भी जरूरत होती पैसों के लिए, आगे कुछ सोचा होगा तभी तो रेट बढ़ाए। और चीज़ों में भी बोला जा रहा है कि दाम बढ़ेंगे, जैसे अनाज में बोला जा रहा है कि आगे दाम बढ़ सकते हैं। मैम अनाजों के लिए तो देखिए अभी तो राशन तो वैसे भी डबल दे दिया सरकार, तो कहीं ना कहीं तो किसी को फायदा तो हो ही रहा है। अभी इस बेस पे तो अभी महंगाई उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। एक सवाल और आपसे लेती हूँ, ये भी सवाल है कि चुनाव 137 दिन तक सीमित था, 137 दिन तक महंगाई नहीं बढ़ी, अब अचानक से क्यों गिर गई, क्योंकि ये आम जनता भी खुद पूछ रही है। अब अचानक से तो सरकार ने इस बारे में जैसे सोचा होगा, जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, जनता के भलाई के लिए सोचा होगा। मतलब आपको नहीं लग रहा महंगाई? नहीं, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा मार खाता है सर। माल तो खाता है लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी तो होता है। फायदा होता है मिडिल क्लास को, है जी। चलिए ठीक है, हम और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? श्रेया। श्रेया नाम है, कहाँ घर की रहने वाली? हाँ नोएडा। जॉब करती हैं? हाँ। तो आप तो जानते होंगे महंगाई बढ़ रही है, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ी, क्या कहेंगे इसको लेकर? पेट्रोल भी भरवाने आई हैं आप? हाँ पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया एक्चुअली। हाँ थोड़ा कम होना चाहिए। हाँ जैसे कि हमारा डेली यूज़ का कुछ कम होना चाहिए, कुछ तो कहीं तो रिलीफ मिले, लाइक गैस में भी वही है, पेट्रोल में भी वही है और बाकी चीज़ों में भी। अच्छा हमारा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद ही ये क्यों महंगाई अचानक से बढ़ गई है, इस पर आम जनता का क्या रिएक्शन है, इस पर आप क्या? इलेक्शन खत्म होने के बाद ही चुनाव कैसे महंगाई अचानक से बढ़ी? हाँ तो इलेक्शन खत्म, काम खत्म और क्या। हाँ इलेक्शन खत्म और काम। भाई साहब क्या नाम है? मनीष जी। मनीष यूपी के रहने वाले हैं? हाँ जी यूपी के हैं। पेट्रोल भरवाने आए हैं, दाम बढ़ गया है, क्या कहेंगे? दाम बढ़ गए, अब क्या कहें, योगी सरकार है, झेलना पड़ता है हर चीज़। झेलना पड़ता है? हाँ जी। सरकार तो आप ही ने ले आई है। सरकार लेके आए तभी वो झेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले योगी जी की सरकार बनी है, मतलब योगी जी शपथ भी लेने जा रहे हैं और शपथ से पहले ही महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम ये तो वही बात होगी कि अभी तो ढंग से आए भी नहीं और पहले ही अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, जलवा दिखा दिया। और यही चीज़ पहले भी हुई थी कि पहले भी जब यूपी में चुनाव होने वाले थे उससे पहले पेट्रोल के दाम बढ़े थे, उसके बाद जस्ट चुनाव होते नहीं उस मतलब जो पेट्रोल के दाम वो कम हो गए, वो सिर्फ चुनाव की वजह से ही हुए थे। अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी धीरे धीरे देखिएगा, अभी 105 पे भी जाएगा, 105 पे भी जाएगा, 108 पे जाएगा। मतलब जनता का वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं कि चुनाव पर महंगाई, जब चुनाव थे तो महंगाई पर? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। जनता ने वोट ही क्यों दिया, सरकार तो नहीं किया है ना, कितना भी बोल लीजिए सर, अब तो 5 साल झेलना पड़ेगा आपको। बिल्कुल झेलना पड़ेगा मैम, क्या करें, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जैसे अपना आप ये चीज़ रख लो अगर यूपी में कि अपना सेफ्टी बहुत अच्छी है फीमेल्स के लिए सबसे अच्छा, और मतलब प्रशासन बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा कर दिया, स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, तो ये चीज़ भी एक प्लस पॉइंट है। अब देखो महंगाई तो है, अब हाथी पालों को झेलेगा कौन, आपको झेलना पड़ेगा ना। हाथी पालों को तो झेलोगे, हाथी पालों को झेलना भी तो आपको ही पड़ेगा। तो यही बात है कि जब चीज़ें हैं और चीज़ें हो भी रही हैं, देखो महंगाई तो है ही है कि चलेगी चलेगी। अब ये यूपी में अगर इनकी सरकार नहीं होती, अगर समाजवादी की पार्टी की भी होती तब भी आती महंगाई, महंगाई तो ये है कि पैसा आएगा कहाँ से, ये इन्हीं चीज़ों से आएगा। आपको लगता है महंगाई बढ़ गई, घरेलू गैस भी बढ़ गया जिसपे खाना पकता, वो भी चीज़ बढ़ गई है। और यही तो मैम मेन पॉइंट यही है कि महंगाई तो आनी है, चाहे वो अब बीजेपी की सरकार में कह लो या वो समाजवादी पार्टी की सरकार में। लेकिन एक उम्मीद थी जब आप वोट दिए होंगे तो एक उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी, क्या कहना चाहेंगे? कैमरा भी आपके सामने है और शायद सरकार भी सुन ले आपको, तो क्या कहना चाहेंगे? मैम जो वोट दिया था वो वोट महंगाई के ऊपर नहीं दिया गया था, वो दिया गया था प्रशासन के ऊपर, कानून के ऊपर, व्यवस्था के ऊपर, अब जो इतने हाईवे बन रहे हैं उस चीज़ के ऊपर दिया गया था वोट। महंगाई क्या है, अगर इनके अलावा किसी और की सरकार होगी तब भी महंगाई होगी, महंगाई ये नहीं रोक सकते। जो भी किसानों के लिए है, जो चीज़ें आती हैं, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी पहले कुछ आता भी नहीं था, जो अब किसानों को कम से कम एक पेंशन आती है। ये वही कांग्रेस है जो आज संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर? बिल्कुल ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जो संसद के बाहर जो है प्रदर्शन कर रही है। आप बात सही कह रहे हो, अब क्या है ना, जब खुद की पार्टी नहीं आई तो कुछ भी कह सकते हैं, अब तो ये भी कह देते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया सर कि महंगाई अब रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है जनता को महंगाई का। मैम ये रिटर्न गिफ्ट उनकी सरकार में भी था, उससे पहले भी था, सही चीज़ों में था। रिटर्न गिफ्ट क्या है, ये आने से पहले भी था। अच्छा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सरकार है अच्छी है, प्रशासन अच्छा है, तो वही देख के सबने वोट किया। बस महंगाई पर थोड़ा सा, महंगाई देखो मैं वही आपको दोबारा कहता हूँ, अगर हाथी पालोगे तो झेलना भी तो आपको पड़ेगा। इसी के
साथ हम आगे बढ़ते, हाथ ही पालोगे तो झेलना तो पड़ेगा ही, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर बोलने से बच रहे हैं आप, हैं पेट्रोल भरवाने आए, सर बता तो दीजिए कि इजाफा हुआ है, क्या कह गया आम जनता? नो कमेंट। चलिए कोई नहीं, और भी लोगों से सर क्या नाम है? थैंक यू मैम। पेट्रोल भरवाने आए हैं, बढ़ गया है दाम, क्या कहेंगे? दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगी मैम। हाँ? दिक्कत तो होगी ही। तेज बोले सर क्यों? दिक्कत तो होगी मैम, दिक्कत नहीं होगी, पैसा बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत तो होगी। किस तरह की दिक्कत झेलनी पड़ती है आम जनता? पैसे ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा जाएगा तो दिक्कत नहीं होगी, हर आदमी को दिक्कत होगी। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि वोट तो आप ही लोग ने दिया था मैम। वोट अलग बात है, वोट पता नहीं किसने किसको दिया है, ऐसे कैसे पता नहीं किसने किसको दिया। सरकार तो लेकिन योगी जी की बन रही है। खैर आगे भी लोगों से, एक लोगों से और बातचीत करते हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। लेकिन क्या नाम है सर आपका? आशीष नाम है मेरा। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या करेंगे? हाँ जी मैम, बहुत ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जैसे कि इतनी कमाई नहीं है पब्लिक के पास, पेट्रोल डीजल के दाम ही बढ़ रहे हैं, और आने जाने का कन्वेंस भी कंपनी दे भी रही है, पब्लिक अपने जेब से भी लगा रही है, उसका कन्वेंस नहीं हो पा रहा इतना कि अपने जेब से भर पाए। और ऑटो वगैरह से बहुत लोग तो बाइक खरीदना भी मतलब बंद कर रहे हैं कि भाई मैं इतना पेट्रोल महंगा हो रहा है, थोड़ी भी कम होता है ना लोग को बहुत खुशी होती है कि 10 रुपये भी कम हो रहा है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा। खाने को एक बार नहीं, आदमी को आने जाने को, क्योंकि आएगा जाएगा नहीं तो ड्यूटी कहाँ से करेगा। चुनाव में ये महंगाई रुपये रोक थी, अब अचानक से बढ़ गई है, इसके बारे में? चुनाव पर महंगाई पर रोक थी, अब अचानक से महंगाई बढ़ गई है, योगी जी शपथ भी लेने जा रहे हैं, अब वो तो होना ही है ना, कोई न्यू बात थोड़ी ना, योगी जी या कोई भी, वो तो बढ़ना ही है और लोगों को भी पता है, कोई नई बात थोड़ी ना है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे अब महंगाई को लेकर? सरकार से यही कहना चाहूँगा कि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का पॉकेट भी देखें, पॉकेट के हिसाब से महंगाई होनी चाहिए, लोगों का पॉकेट नहीं देखेंगे महंगाई कर देंगे तो लोग तो सरकार तो आप ही लोग ने बनवाई है सर, लोग तो सरकार बना रहे हैं ना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन होंगे तभी तो वो चेंज करेंगे। अखिलेश यादव नहीं है, लेकिन और ज्यादा ऑप्शन नहीं, अखिलेश ऑलरेडी बन चुके, कांग्रेस कोई न्यू मोहरा नहीं आ रहा है ना बनने के लिए, कोई न्यू मोहरा आए बनने के लिए, जब तो कोई न्यू मोहरा आ ही नहीं रहा उनके पास। हाँ पब्लिक इसीलिए बस क्या करे, पब्लिक एक ही चीज़ उसको बार बार लाओ इसी को। मैं तो यही कहना चाहूँगा सरकार से कि बस जितनी महंगाई कर रही है लोगों की पॉकेट देख के करें। पेट्रोल भरवाने आए हैं, महंगाई बढ़ गई है, इजाफा हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम, घरेलू गैस भी बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? मतलब जनता परेशान है कि जनता को फ़र्क नहीं पड़ रहा? मैम क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जो काम चल ही रहा है, जनता पहले भी कमा के खा रही थी, अब भी कमा के खा रही है, महंगाई का असर नहीं पड़ रहा। अब महंगाई का असर तो क्या करे बताओ, एक आम आदमी नागरिक उसमें आवाज़ उठाएगा तो उसका तो आवाज़ दबी जानी ना, तो कोई मतलब है नहीं है ना। आप पेट्रोल भरवाने आप आए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हो गया है, घरेलू गैस भी दाम भी बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे आप? ना महंगा तो बहुत बढ़ रही है, देखो मतलब तो कैसे गुजारा चलेगा गरीब आदमी का। अच्छा बात बताइए सर, यूपी के रहने वाले हैं? हाँ जी। सरकार ने तो सर आप ही बनवाई, सरकार तो आप ही लोगों ने बनवाई है। हमने कहा जनता ने बनाई है, सबने मिलकर बनाई है। उम्मीद थी जब वोट देने गए थे कि महंगाई कम हो? महंगाई कम होगी, सबको यही उम्मीद थी महंगाई कम होगी, लेकिन क्या करें महंगाई उल्टी बढ़ गई है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा विपक्ष भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कहा कि सिर्फ चुनाव तक ही सीमित था ये महंगाई पर रोक, अब अचानक से महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे? मैडम महंगाई देखो कम होनी चाहिए लेकिन बढ़ गई है, क्या कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए। अच्छा एक रिटर्न गिफ्ट है क्या महंगाई का सरकार बनने के बाद? रिटर्न गिफ्ट महंगाई गिफ्ट है मैडम, महंगाई गिफ्ट है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्या है रिएक्शन जनता का? ठीक है अपना कंट्री के लिए हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो 200-300 बाइक में जो पेट्रोल भर रहा है 200-300 रुपए का, 5 साल के लिए आप तैयार हैं भरवाने के लिए, मतलब कि इजाफा हो कोई दिक्कत नहीं? जब तक मोदी जी हैं तब तक बढ़ेगा, कोई चिंता नहीं है। मोदी जी तब तक कोई चिंता नहीं है? बिल्कुल सर, कुछ जनता को दिक्कत भी हो रही है ऐसा? ठीक है जो दिक्कत हो रही है उसके लिए भी ठीक है, कोई ना सोल्यूशन मिलेगा उनका, ठीक है आगे किसी के खर्चा बढ़ रहा है तो उसकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उसकी आमदनी बढ़ेगी उसको, सो देट कि उसको उससे कोई जो है अपना ज़्यादा कोई ऐसा खराब फील ना हो। अच्छा एक जन से हम सवाल पूछ रहे थे अभी, तो वो कह रहे थे कि इंक्रीमेंट नहीं हो रही है सैलरी में, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसा है? वो अगेन ये डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है, जैसे ही आगे मार्केट में डिमांड बढ़ेगी सैलरी अपने आप बढ़ेगी। अच्छा
राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि चुनाव खत्म हो गया और रिटर्न गिफ्ट मिल गया जनता को महंगाई का। वो तो ठीक है, काफी टाइम बाद मिला है। अच्छा, काफी टाइम मिला, बहुत खुश है। अदरवाइज सेम डे नेक्स्ट डे हो जाना चाहिए था। अच्छा, नेक्स्ट डे महंगाई बढ़ जानी। बिल्कुल, पेट्रोल का इतने टाइम तक नहीं बढ़ाया तो ठीक है, वो भी अच्छी बात है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है, हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि सब लोग जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, महंगाई बढ़ी है लेकिन जनता रुक नहीं रही है, पेट्रोल डीजल भरवाने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है पूरे के पूरे पेट्रोल पंप पे। जब दाम बढ़ा दिए तो यूज तो करना ही पड़ेगा ना, अब इस पे क्या हम कर सकते हैं सरकार की। सबसे ज्यादा जो दिक्कत मिडिल क्लास को होती है, तो इसलिए हम जनता से सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, दिक्कत तो होती ही है, इनकम बढ़ नहीं रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है। आपकी सैलरी जैसे आज 5 साल पहले थी वही आज भी है, ठीक है, हमारी इनकम तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटीज हमेशा बढ़ रही है, लेकिन आपका कुछ भी मतलब इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है जॉब में, कमाई में, किसी भी तरह से कोई इनकम नहीं हो, बल्कि तो आपकी इनकम भी बढ़नी चाहिए ना। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो 15-20% के अगर आप हाइक कर रहे हैं हर चीज़ पे, तो इस पे भी हाइक होनी चाहिए। आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, हमारी सैलरी भी हाइक करो, कम से कम सैलरी भी हाइक करो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा ऑब्वियस ही बात है कि आज 5 साल पहले जो चीज़ हम लोग यूज़ करते थे, और आज कम से कम 35-40% का इंक्रीमेंट हो चुका है हर चीज़ में, 30-35% तो बढ़ ही गया ना ऑयल में, पहले 5 साल पहले 70-80 से कहा भी जा रहा है कच्चे तेल की कीमत बढ़ी इसीलिए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा। देखिए, उस पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी जेब देखेंगे ना, हमारे पर्स में कितना पैसा है। सर, ये वही जनता है जिसने सरकार बनाई है 5 साल। ऑब्वियस ही बात है, हम तो उन्हीं को चुने हैं, इसीलिए चुने हैं कि भाई आप कम से कम ये है कि हमारे लिए कुछ सोचो तो सही, है ना। सरकार तो ये चाहे योगी हो या कोई और बनते, आज हमने इनको चुना है, चाहे वो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और यूपी में भी बीजेपी की है, तो हम चुने इसीलिए उनको कि हमारे लिए कम से कम कुछ सुने, हमारे लिए भी देखें, मतलब एक आम जनता को भी देखें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारी महंगाई आगे बढ़ रही है तो हमारी भी, अरे भाई हर चीज़ की सैलरी हाइक होनी चाहिए ना हिंदुस्तान में। अगर मगर हम ये देखें कि एक मुद्रा स्फीति की जो एक दर होती है वो भी हर साल 6-7% के इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है, लेकिन इंक्रीमेंट जॉब में नहीं हो रही, सैलरी में नहीं हो रही, हम मिडिल क्लास वालों को नहीं हो रही। आईटी वाले फिर भी बढ़ जाते हैं, बहुत सारी जॉब्स ऐसे हैं जहाँ पर मतलब इंक्रीमेंट हो रही है लोगों को, लेकिन आम जो एक बहुत बड़ी एक जनता है उसके लिए कोई इंक्रीमेंट कहीं से हो ही नहीं रही है। जो इनकम थी आज 5-7 साल पहले वही इनकम आज भी है, बढ़ नहीं रही है। एक लोगों से हमने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर। बेरोजगार ऑब्वियसली बात है कि हमारे बहुत सारे नॉन फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, आज के टाइम पर बिजनेस कर रहे हैं वो बिज़नेस रन नहीं कर पा रहा सही से, जो आनी चाहिए वो नहीं है। वैसे दिखता तो है, हम फिलहाल अभी काम कर रहे हैं तो हम तो नहीं कह सकते कि हम बेरोज़गार हैं, हम काम कर रहे हैं तो, लेकिन इनकम हमारी नहीं बढ़ पा रही है, और जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं जब उनकी भी इनकम नहीं आएगी तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हैं किसी चीज़ को, तो अगर ऐसा देखा जाए तो उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट आनी चाहिए ना। सर, कुछ लोग तो कह रहे हैं कहाँ है महंगाई, जब शराब पीने के लिए पैसे निकल जाते हैं पेट्रोल के लिए। मैम देखो, जो शराब पीता है वही बता सकता है, जो शराब पीता है उसकी इनकम भी वैसी होती होगी। हम शराब नहीं पीते तो हम अपने घर के खर्चे, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहे, तो हम सरकार के कैसे पता है कि शराब पीने की बात कैसे हम कर सकते हैं, हम तो शराब पीते नहीं है, हम तो भाई घर के अपने बच्चों को देख रहे हैं, कम से कम अपने घर में जो लाइबिलिटीज़ है, माँ बाप भाई बहन, ठीक है, वाइफ है, बच्चे हैं, मैं उनके लिए ही कमा रहा हूँ बेसिकली। हम तो शराब तो नहीं पीते तो हम शराब की बात ही नहीं कर सकते मैम, जो पीते हैं वो जैसी इनकम होगी वो इस हिसाब से अपने पैसे को जहाँ यूज़ कर सकते हैं वो करें, सवाल कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल ये भी है कि चुनाव तक महंगाई नहीं बढ़ी थी, अब अचानक से महंगाई बढ़ गई, इस पर विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे इसको। देखिए, वो हमेशा से ये चीज़ रही है महंगाई, चाहे वो 50 रुपये लीटर था, जब भी पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, जो भी विपक्ष में रहा है उनका काम है करना, वो तो करेंगे ही, अगर वो विपक्ष में अगर वो भी नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो और मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। जो पक्ष विपक्ष इसीलिए होता है कि वो जो भी चीज़ें हो रही है हिंदुस्तान में, एटलीस्ट अगर महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, उसके लिए अगर विपक्ष अगर उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो सरकार तो ये सोचे कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कांग्रेस कह रही रिटर्न गिफ्ट है ये महंगाई का जनता को। मैम देखिए, वो उनका अपना मुद्दा है, कांग्रेस है या और उसके साथ में और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, उनके अपने मुद्दे हैं। आपसे हमने एक ऐसा आम नागरिक अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं उसी हिसाब से आपको जवाब दे रहा हूँ। पॉलिटिकल एक अलग एजेंडा होता है हर लोगों का, वो एजेंडा अलग ही रहेगा, वो हमेशा रहेगा और हमेशा से रहा है और रहेगा जी।
उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। मतलब आम जनता को दिक्कतें हो रही है। ऑब्वियस सी बात है मैम, आप खुद सोचो ना, आप भी जॉब कर रही होंगी, ठीक है, आपकी क्या सैलरी हाइक करी है? आप ये भी तो थी, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए ना। अगर कोई एक आम छोटा सा बिजनेसमैन भी है, अगर कोई बाहर अगर कोई एक रेड़ी भी लगा रहा है, तो उसकी भी इनकम तो बढ़नी चाहिए ना। महंगाई तो, वो भी प्याज एक टाइम था 10 रुपये किलो बेचता था, आज 30 रुपये है। तो ये भी मैं पूछूंगी, सरकार आप ही लोग ने बनवाई तो अब भुगतना तो पड़ेगा। एक चीज़ बताओ मैम, सरकार तो बनानी ही है ना। ये अगर हम इसी जगह पे समाजवादी पार्टी को सरकार बना देते तो क्या वो महंगाई को रोक सकती थी? महंगाई इज़ नॉट अ मैटर, हम मैटर ये है कि महंगाई जिस स्पीड से बढ़ रही है, एटलीस्ट लोगों को रोज़गार और उनकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी होनी चाहिए। मतलब उसके जो इनकम है वो बढ़ने चाहिए, इंक्रीमेंट होनी चाहिए कि नहीं ना। महंगाई तो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। आप अपनी इनकम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, यहाँ की हिंदुस्तान की जनता या यूपी की जनता, उनका इनकम कैसे आप बढ़ाने को आप फेवर कर सकते हैं? उसके लिए भी तो सरकार को सोचना चाहिए ना, वो इनकम कैसे बढ़ेगी? जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तो हम पैसे को खर्च करेंगे ना, जब पैसे ही नहीं आएगा तो खर्च कैसे? सरकार तो कहते डेवलपमेंट हो रहा है, देश आगे बढ़ा, इसलिए महंगाई भी आ गई। मैम डेवलपमेंट कहाँ नहीं है, डेवलपमेंट तो हर जगह है ना। बाहर हिंदुस्तान के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट है, तो क्या महंगाई बढ़ा देंगे? डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, ये बेसिक नीड है डेवलपमेंट। अगर हमारी सड़कें अच्छी नहीं होंगी, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो यहाँ की जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो देनी पड़ेगी ना यहाँ की जनता को। वो नहीं देगी तो फिर फ़ायदा क्या, फिर मतलब यहाँ पे हिंदुस्तान में कैसे कोई कैसे सर्वाइव करेगा, ठीक है। वो तो एक बेसिक नीड है, सड़कें चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक नीड है वो तो चाहिए ही चाहिए। एक आम जनता के हिसाब से, एक आम नागरिक के हिसाब से क्या बदलाव होने चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी हो गई है, योगी जी शपथ लेने जा रहे हैं, क्या बदलाव आपको लगता है कि होने चाहिए? मैम देखिए, बदलाव में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे हिंदुस्तान में एक तो सबसे पहले तो जो एक सोच डेवलप हो गई है आज के टाइम में, एक सबसे बड़ा मुद्दा है बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक मुस्लिम हूँ, तो थोड़ा सा हमेशा हर जगह पे एक माहौल चीज़ें मिलती है थोड़ा सा। कहीं कहीं पर आप आउटर सर्कल में चले जाइए, देखिए ऑफिस कल्चर में सब कुछ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम टीवी खोल के देखते हैं ना तो लोगों को भाई यही चीज़ दिखता है, थोड़ा सा फियर रहता है, ठीक है, कि यार हमें हर जगह बात हो रही है हिंदू मुस्लिम वाली बात हो रही है। तो सरकार से, इस सरकार से एक सबसे बड़ा हमारा यही है कि इस चीज़ को मतलब आम लोगों से ख़त्म किया जाए, ठीक है। जो भी लोग कर रहे हैं इसको ना, उसको उसकी सोच को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो चाहे नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हो। मुस्लिम कम्युनिटी से भी मेरी एक राय है कि वो भी अपनी सोच जो है वो बदल लें कि हाँ हमें किसी से कोटा, हमारा देश है ये, हम यहाँ पर सरकार मतलब हिंदू मुस्लिम का काम। मैम देखो, बीजेपी का जो एजेंडा है शुरू से, या बीजेपी करती हो ना करती हो, बट इनके जो बाकी जो संगठन है वो तो करती है इस काम को, ठीक है। और भी मैं सुनता आ रहा हूँ, बचपन से सुनता आ रहा हूँ, मैं जब बहुत छोटा था, जब स्कूल में पढ़ता था, तब भी ये चीज़ देखने को मिलती थी, ठीक है। वो बीजेपी ना कर रही हो बात अलग है, सरकार हम चुनते हैं, हम भी वोट दिए हैं योगी को, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मतलब हम इसको करते रहे। हाँ जी, बीजेपी को वोट दिया है हमने, क्योंकि मुझे पता था कि बीजेपी ही आनी है, तो हम किसी अपने वोट दिया है कि मतलब विकास के नाम पूरा विकास, ऑब्वियस सी बात है योगी सरकार जो है विकास किया है इस काम में, ऐसा नहीं, बाकी सरकार भी विकास का काम कर रही है, लेकिन इन्होंने जो 5 साल में काम किया है डेवलपमेंट का, जैसे हम ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले तो सड़क देखते हैं कि सड़क में, जिस सड़क में हम चल रहे हैं वो सड़क वाकई बहुत अच्छी बनी हुई है, तो स्मूथली तो उससे डेवलपमेंट दिखता है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ तक बात है, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। पानी चाहिए, पानी थोड़ा मिल रहा है हमें, पानी भी चीज़ें मिल रही हैं, तो आदमी को डेवलपमेंट दिखता है। बस एक फियर रहता है कि यार ये हिंदू मुस्लिम करेगा इसलिए वोट मत दो इसको, ठीक है। जो भी सरकार है अगर डेवलपमेंट पे बदलनी चाहिए, ये सोच बदलनी चाहिए, ठीक है। इस सरकार से यही एक उम्मीद है मुझे कि इस सोच को अपने जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं उनकी सोच में एक डेवलपमेंट करें, ठीक है। महंगाई ऑब्वियस सी बात है मैम, महंगाई तो देखिए बढ़ेगी, और यही बात है कि इनकम बढ़ावानी चाहिए, कि हमें हमारी जनता का इनकम कैसे बढ़े। इस पे सवाल सीधे जनता से पूछते हैं सर कि उन्हें क्या दिक्कत। महंगाई आप बहुत बढ़ा दो, 200 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जिनकी इनकम आज 10,000 की है उनकी इनकम 20,000 होनी चाहिए, मतलब इंक्रीमेंट होनी चाहिए सैलरी में, इनकम में इंक्रीमेंट होनी चाहिए। सिर्फ जॉब मत लीजिए आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं नौकरी करने वाले, उससे ज़्यादा बिजनेसमैन है, तो उनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, ठीक है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया से सीधे हम आपसे पूछ रहे हैं, सामने कैमरा है, आप सीधे सरकार से बोल सकते हैं, जो उम्मीद है जो बात है आप सीधे सरकार तक पहुंचा सकते हैं, क्या कहेंगे आप, एक लास्ट आपसे जवाब। सरकार से बस यही उम्मीद है कि एक जो मैंने बताया कि कम्युनिटी को लेके किसी टारगेट किया जाता है, एक तो उसको ख़त्म करवाने की एक सोच डेवलप करें,
ठीक है, हम सब साथ में हैं, ठीक है। और ये जैसा मोदी जी का एक हमेशा से रहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि महंगाई बढ़ रही है, बढ़ाइए, चूँकि देश हर चीज़ों से चलता है तो महंगाई तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन हमारी इनकम भी बढ़नी चाहिए, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो। मुझे लगता है कि सीधे सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। सर, तुमने इस मुद्दे पर तमाम जनता से बातचीत की और जिस मुद्दे पर बातचीत की महंगाई को लेकर, हम सीधे आपको वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। पेट्रोल पंप पे ये तस्वीर है जहाँ पे लिखा 97 रुपये प्रति लीटर जो है, 88 डीजल हो गया है, 101 जो है ये तो पावर है, 88 डीजल और 97 जो है पेट्रोल हो गया है। तो लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। ऐसे सीधा जनता से सवाल पूछा हमने कि क्या आम जनता को परेशानी हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि परेशानी नहीं हो रही है, कुछ लोगों ने सवाल भी खड़ा किए सरकार पर कि जो उम्मीद लेकर हमने वोट दिया था वो उम्मीद पर खरा नहीं उतर रही है सरकार। ऐसे में हम तमाम ऐसे मुद्दे आप तक लाएंगे बोल पब्लिक बोल में, जो सीधे जनता से सरकार करते हैं, जो सीधा मुद्दा होता है जनता का वो हम जनता से पूछते हैं और आपके लिए लेके आते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।